हेलो एवरीवन, आइए हम लोग एक्सरसाइज 6F का शेष क्वेश्चन जो अभी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 तीन चार क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 है, आकृति में वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी दो जीवाएं परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, पी पर एक दूसरे को काटती हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए पी सी समरूप त्रिभुज डी पी बी। ए पी सी त्रिभुज समरूप किसके है? डी पी बी के। ठीक है, ये त्रिभुज इसके समरूप है, ये दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग देख क्या क्या दिया है वो लिखें। वृत्त में इसको हम लोग ना वृत्त को हमेशा आप लोग ऐसे लिखा करिए, सी ओ आर में, सी ओ आर का मतलब सर्किल जिसका सेंटर ओ है, रेडियस आर, इस तरह से सेंटर ओ रेडियस आर ये मान करके लिखा जाता है। वृत्त सी ओ आर में जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे को पी पर काटते हैं। ठीक है, सीधे क्या करना है, फर्स्ट पार्ट ले ली, त्रिभुज ए पी सी समरूप त्रिभुज डी पी बी। इसको सिद्ध करने के लिए हमको एक छोटा सा रचना करना होगा। रचना क्या करना होगा अभी उसको मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है, तो समरूप दिखाने के लिए हमको क्या करना होता है, या तो तीनों भुजाओं का अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, या संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो संगत भुजाओं का अनुपात हम इसको इसके बराबर कह नहीं सकते। अच्छा देखिए, ये दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये पी जो है वृत्त के केंद्र पर है, ऐसा कुछ नहीं दिया है कि ये दोनों जीवाएं एक दूसरे को अर्धक मतलब समद्विभाजित करती हैं, ऐसा भी नहीं दिया हुआ है। नहीं तो हम इसके बराबर इसके और इसके बराबर इसके कर देते, ठीक है, और एक कोण बराबर दिखा देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया है। दिए हुए के नाम पर हमारे पास सिर्फ ये है, ये इसको हम बराबर दिखा सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण के नाम से, लेकिन समरूप दिखाने के लिए हमको एक कोण और बराबर दिखाना पड़ेगा। दोनों त्रिभुजों में एक ऐसा कोण हो जो दोनों में बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज समरूप होगा। तो सबसे पहले तो एक तो हम लिख दें, कोण ए पी सी बराबर कोण डी पी बी क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण ये हो गया। अब एक कोण और कैसे बराबर दिखाएं, इसी के लिए हम रचना करेंगे। रचना करने जा रहे हैं, रचना कैसे क्या करेंगे, सी को बी से मिला देंगे। जब सी को बी से मिला देंगे तो यह वृत्त जो है दो वृत्त खंडों में विभाजित हो जाएगा, एक लघु वृत्त खंड और दूसरा दीर्घ वृत्त खंड। तो एक प्रमेय है कि एक ही वृत्त खंड में स्थित कोण समान होते हैं, एक ही वृत्त खंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जब इसको मिला देंगे तो देखिए, एक ही वृत्तखंड के दो कोण
ये मिला दिया। अब देखिए इसको मिलाने के बाद ये एक ही वृत्तखंड के दो कोण, ये कोण और ये कोण, एक तो ये हो गया ना, ये दूसरा कोण कर दे, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड के कोण है। तो यहां पे लिखेंगे हम क्या क्या लिखेंगे, कोण सी ए बी, यहां रचना लिख देंगे सी को बी से मिलाया, सी को बी से मिलाया, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे कोण सी ए बी, कोण सी ए बी बराबर कोण बी डी सी, यहां लिखेंगे ये रचना से, और रचना से एक ही वृत्तखंड के कोण रचना की है, और फिर उसके बाद एक ही वृत्त खंड के कोण, ठीक है। अब ये जब वो हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि त्रिभुज, देखिए अब ये कोण इसके बराबर हो गया और ये कोण इसके बराबर हो गया, तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए पी सी समरूप त्रिभुज डी पी बी बाई ए ए, एंगल एंगल, ठीक है, ये समरूप हो गया। जब समरूप हो गया, अच्छा ये तो ये हो गया, अब इसी में सेकेंड पार्ट हम कर सकते हैं, इसी में सेकेंड पार्ट कर दे, जब ये समरूप हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, जब समरूप दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। इसमें संगत भुजा कौन सी होगी, एपी, एपी के साथ डीपी और पीसीपी के साथ डीपी, ये होगा। तो यहां पर दिस इंप्लाइज एपी बटे डीपी बराबर सीपी बटे पीबी, इसका इसे इधर गुणा कर दे, इसका इधर गुणा कर दे, एपी इंटू पीबी बराबर सीपी इंटू डीपी, ये हो गया, ये प्रूफ करना था, ये हो गया, यहां ये प्रूफ करना था, बस हो गया, ये दोनों पार्ट इसी में हो गए, इतना ही करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 है, आकृति में वृत्त की दो जीवाएं एबी और सीडी बढ़ाने पर, एबी और सीडी ये दो जीवाएं हैं जिनको अगर बढ़ाएं तो एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, पी पर काटते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि पहला पार्ट है त्रिभुज पी ए सी, पी ए सी समरूप त्रिभुज पी बी पी डी बी, डी ऊपर क्या पी डी बी, और सेकेंड है पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करें कि जो दिया है उसको लिख लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। क्या क्या दिया है, वृत्त सी ओ आर में जीवाएं ए बी और सी डी बढ़ाने पर पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये तो दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, त्रिभुज पी ए सी समरूप त्रिभुज पी डी बी, ये सिद्ध करना है। देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक यहां से पी ए सी ये,
और एक यहां से पी बी डी, पी बी डी, ये दो त्रिभुज बन रहा है। अब दोनों त्रिभुजों में अगर दो कोण समान हो जाते हैं, तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है। एक कोण तो ये बराबर है, पी उभयनिष्ठ है, क्या लिखेंगे, कोण ए पी सी, ए पी सी बराबर कोण बी पी सी, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ कोण। अब दूसरा कोण दिखाना है कि दूसरा कोण बराबर कैसे होगा। देखिए ए सी डी बी या ए बी डी सी एक चक्री चतुर्भुज है और चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कि ये कोण और ये कोण अगर जोड़ दें तो दोनों का योगफल 180 अंश हो जाएगा। यहां आप लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज ए बी डी सी में, कोण बी ए सी प्लस कोण बी डी सी बराबर 180 अंश, ये कोण और ये कोण, कोण ए कोण बी मिलकर के 180 अंश हो जाएंगे। इसको हम कर देते हैं समीकरण नंबर एक। अब यहां पर रेखा पी ए बी के बारे में अगर विचार किया जाए तो रेखा पी ए बी एक सीधी रेखा है और अगर कहीं इस कोण को और इस कोण को जोड़ दिया जाए तो दोनों का योगफल 180 अंश होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा ऋजु कोण जो है 180 अंश का कोण बनाती है। तो कहने का मतलब कि कोण बी ए सी और कोण पी ए सी बराबर 180 अंश होगा। यहां पर लिखेंगे कोण बी ए सी प्लस कोण पी ए सी बराबर 180 अंश। यहां पर क्या कर देंगे, घटाने को लिख दें इसको, इन दोनों को एक और दो को घटा दें, तो यहां माइनस यहां माइनस यहां माइनस, ये कट गया, ये सॉरी ये बी ए सी से कट गया, तो ये माइनस को उधर भेजेंगे तो कोण बी डी सी बराबर कोण पी ए सी, कहने का मतलब कि कोण डी और कोण ए बराबर हो गया, कोण ए और कोण डी ये बराबर कोण, ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, ठीक है ना। पी ए सी, पी ए सी और कोण बी डी सी, बी डी बी डी सी नहीं बी डी पी होगा ना, ओ बी ए सी, अब बी डी सी या बी डी पी करें उसको एक ही बात है, बी डी पी भी अगर लिख देते हैं, देखिए बी डी सी लिखें या बी डी पी लिखें दोनों बात एक ही है, तो चूंकि यहाँ पर इस तरह से है तो इसको पी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो बी डी पी, इससे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि बी डी पी है ना, तो इसलिए ऐसा हो गया। तो कहने का मतलब कि दो कोण बराबर हो गया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसका मतलब कि त्रिभुज पी ए सी, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल पी ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी डी सॉरी पी डी बी, डी बीच में होगा बाय ए ए, ठीक है, ये समरूप हो गया, ये तो हमारा ये सिद्ध हो गया,
सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट इसी में हम कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है पी इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी है। तो पी ए है, पी ए है तो इसका इसके साथ करेंगे, फिर उसके साथ है पी सी, पी सी का मतलब ये इसके साथ, यहां भी इसके साथ ये होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पी ए बटे पी डी पी डी है ना, पी ए के साथ पी डी और पी सी के साथ पी बी बराबर पी सी बटे पी बी। इसका इसके साथ प्लॉट, इसका इसके साथ प्लॉट कर दें, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, ये हो गया। अगर समरूप आप सिद्ध कर लेते हैं तो उसके बाद तो एक लाइन का काम है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, 17 में दिया हुआ है कि आकृति में त्रिभुज एबीसी की, एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बटे सीडी, बीडी बटे सीडी बराबर ए बी बटे ए सी, ये दिया हुआ है। तो ए डी यानी कि यह रेखा कोण पी ए सी बी ए सी की समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब क्या हो गया, अगर ये कोण एक है और ये कोण दो है तो दोनों को बराबर दिखाना है, कोण एक बराबर कोण दो। तो क्या क्या दिया है, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D इस प्रकार है कि BD बटे CD बराबर ए बी बटे ए सी। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण वन यानी कि कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, यानी कि कोण वन बराबर कोण टू, ठीक है। ये मान लिया कि ये कोण वन है, ये कोण टू है, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, ये सिद्ध करना है। तो ये दोनों बराबर कब होंगे, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग इस तरह का सवाल कर चुके हैं। मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको आगे बढ़ा करके, रचना वाला पार्ट है इसमें, इसमें इसको आगे बढ़ा करके इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से ये आगे बढ़ जाएगा, ये हो गया। और इसके समांतर, इसके समांतर समांतर ऐसे ये, और ये हो गया E, ठीक है। तो अगर कहीं हम किसी तरह से रचना में, यहां पर रचना पार्ट होगा, रचना में बी ए को आगे बढ़ाया तथा एडी के समांतर C
सी से रेखा खींचा जो बढ़ी हुई भुजा को ई पर काटता है, ये हो गया रचना। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना कि हम इस कोण को इसके बराबर अगर हम दिखा दें तो हम, चूंकि यह रेखा इसके समांतर है तो थेल्स का प्रमेय लग जाएगा, इसके बटे इसके बराबर इसके बटे इसके, ठीक है, ये इसके बराबर इसके बटे इसके दिया है, तो उसमें क्या हो जाएगा ना, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले काम हम लोग ये करें, देखिए उपपत्ति में AD समांतर CE, AD और CE समांतर है, तो इसका मतलब कोण दो और ये तीन कर देते हैं, कोण तीन और ये कोण चार, तो समांतर इसका मतलब क्या हो गया, कोण दो बराबर कोण तीन, क्या लिखेंगे, एकांतर कोण, एकांतर कोण। फिर लिखेंगे AD समांतर CE, पुनः AD समांतर CE, इसका मतलब ये हो गया कि कोण एक कोण चार के बराबर है, ये समीकरण नंबर एक, कोण एक बराबर कोण चार, समीकरण नंबर दो, ऐसे ही क्या है, क्यों है, संगत कोण, इसको लिखेंगे संगत कोण, ठीक है। अब ये तो मेरे काम की चीज हो गई जिसका यूज अभी आने वाले स्टेप में होगा, अब हम इसको प्रयोग इसका यूज करें, इसका दिया है, यहां पर लिखेंगे BD बटे CD बराबर AB बटे AC, ये तो दिया है, तथा ये AB बटे AE बराबर BD बटे DC या BD बटे CD थेल्स प्रमेय से। अब इसको तीन कर दें, इसको चार कर दें, अगर तीन और चार से, तीन और चार से क्या हो जाएगा, देखें एबी बटे एसी या बीडी बटे सीडी, बीडी बटे सीडी दोनों बराबर है, इसका मतलब कि एबी बटे एसी बराबर एबी बटे एई होगा, तीन और चार से क्या हो जाएगा, एबी बटा एसी बराबर एबी बटा एई, ये एबी भी कट गया, यानी कि हो गया एई बराबर एसी, यानी कि ये हो जाए एई और ये हो जाए एसी बराबर हो गया, इसका मतलब ये हो गया एई के सामने का कोण तीन और एसी के सामने का कोण चार भी बराबर होगा, कोण तीन बराबर कोण चार, ये समीकरण नंबर पांच। अब अगर तीन बराबर चार है, तीन और चार बराबर है, तो इसका मतलब कि कोण एक और कोण दो बराबर होगा, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण एक दो और पांच से, एक दो और पांच से क्या हो जाएगा, कोण एक बराबर कोण दो, अतः लिखेंगे अतः एडी कोण बी एसी की समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, बराबर
बस ये प्रूफ करना था।